बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम उपाय किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से आज भारत आटा ये इसकी तस्वीर मैं दिखाऊं कि ये इस तरीके का जो पैकेट है, इस तरीके के पैकेट में जगह जगह पर प्रोवाइड कराया जाएगा लोगों को और कम कीमत पर। इस पे रेट भी लिखा हुआ है 27.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये पैकेट दिया जाएगा, ये देखें। और 275 रुपए का ये पूरा पैकेट है, 10 किलो का ये, तो 10 किलो का ये पूरा का पूरा पैकेट है और 275 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। अगर मार्केट में यही आटा आपको लेना है भारत आटा की जगह पे, तो कितना ज्यादा कीमत चुकानी होगी इसकी? आपको 32 से 34 रुपए के आसपास होगा, लेकिन यहाँ 27.5 रुपए है ना। हाँ। तो क्वालिटी वही है। हाँ। जो वो लोग देते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये 10 किलो का ही पैकेट होगा या कम ज्यादा भी होगा? अभी हमने शुरुआत में 10 किलो का किया हुआ है। हाँ। अगर मांग हुई। हाँ। तो हम 5 किलो का भी इसका बना सकते हैं। अच्छा, या बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मंत्रालय ने हमें बड़ा पैकेट के लिए नहीं कहा है। हाँ। तो हमने 10 किलो से शुरुआत किया है। ठीक है, केंद्र सरकार जो ये उपाय कर रही है क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार उपाय अच्छे कर रही है, जनता तक जो है आवाज पहुंचनी चाहिए और जनता तक सामान पहुंचना चाहिए, तो उसके अंदर जनता का ही फायदा है। और जो मोदी जी जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं ये, कि कम से कम लोगों तक ये चीज है और जो ब्लैक मेली है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो उपाय के क्या कहना चाहेंगे मैम? ये बताइए कि ये जो प्रोवाइड कराया जाएगा कहाँ पे किया जाएगा, कहाँ से लोग ले सकेंगे? ये हम लोग नैफेड के स्टोर्स, NCCF, ये जो नैफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के सौजन्य से सब हो रहा है और जो तीनों डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्टोर्स में मिल पाएगा। इसके अलावा ये जो ये वैन्स हमारी सर्कुलेट होंगी ये भी ऑल ओवर दिल्ली माल सप्लाई करेंगे। आप केंद्रीय भंडार से कहाँ से? केंद्रीय भंडार से। आप लोगों का क्या, ये जो अभी आटा किस हिसाब से खरीदते हैं और कितना किफायती होगा ये? इतना किफायती मार्केट में तो ये बहुत महंगा है। हाँ। जैसे और यहाँ पर हम लोग तो 275 का बेच रहे हैं। हाँ। तो किफायती तो है ही, ब्रांड्स भी देख लो आप। अच्छा। कितनी महंगी है, 370-375 इस तरह से रेट जा रहे हैं और यहाँ पर 275 में लॉन्च हुआ भारत आटा। अच्छा। अगर ग्राहक के तौर पे आप से बात करूं तो कितना महंगा पड़ता है और ये कितना सस्ता पड़ेगा? आटा मार्केट में 300 तक की रेंज में है और ये यहाँ पे 275 रुपए, 300 रुपया का 10 किलो, 10 किलो की रेंज में और यहाँ पे 275 रुपए किलो में है, तो ये तो रियली बहुत ही चीप पड़ेगा। अच्छा, तो एक केंद्रीय भंडार की जो पल्सीज हैं वो भी बहुत चीप रेट पे हैं, मार्केट में वो भी काफी महंगी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हम ये कहना चाहेंगे एक आटा एक ऐसी प्रोडक्ट है जो एक गरीब से गरीब आदमी इसको यूज करता है और केंद्रीय भंडार इतने सस्ते में इसको दे रहा है 275 में और हर गरीब आदमी इसको इस रेट में अफोर्ड कर सकता है, ले सकता है। भारत 300 तक का मिल रहा है। अच्छा। अभी हमने भारत चना बेचा था 65 kg का, वो भी बहुत अच्छा उसका हमें रिस्पॉन्स अच्छा बहुत अच्छा मिला सर। एक बार दिखाओ जी। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? जो हमारे आउटलेट्स के अंदर ये जा रहा है, इसके अंदर तीन गवर्नमेंट के एजेंसीज को ये मिला है, एक NCCF, एक नेफेड और केंद्रीय भंडार। तो ये पब्लिक के लिए एक जानकारी के तौर पे भी है कि सिर्फ नेफेड नहीं, केंद्रीय भंडार भी है और NCC भी है, उनके जितने भी भंडार के भी यहाँ आउटलेट्स हैं वहाँ पे सब ये अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मोबाइल वैन्स भी हैं और उनके आउटलेट पे वही रेट होगा जी, रेट सेम होगा। मैं केंद्रीय भंडार में परचेज सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मैं ये सारा ग्रोसरी का देखता हूँ। अच्छा। हमारे जो ये 60 रुपए की दाल है, नेफेड 60 की बेच रहे हैं और NCCF 60 की बेच रहा है, लेकिन जो केंद्रीय भंडार है वो 58 रुपीज की बेचता है। और सारे हम झुग्गी झोंपड़ियों में जो स्लम एरिया है वहाँ भी हम मोबाइल वैन के थ्रू हम केंद्रीय भंडार बेच रहा है। और अभी जो दाल बेचा जा रहा है ना जी जी, आटा की शुरुआत आज हुई, आटे की शुरुआत हमने 3 तारीख से कर दिया था, 3 तारीख से आटा हमारा बिक रहा है 275 रुपए में 10 किलो थैली। अच्छा। हमने सबसे पहले रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? बहुत बढ़िया, लाइनें लगी हुई हैं। और जो प्याज है, प्याज 25 रुपए में केंद्रीय भंडार बेच रहा है जो कि मार्केट में 80 रुपए बिक रहा है। अच्छा। इससे पहले टमाटर की क्राइसिस आई थी तो टमाटर 100 रुपए, टमाटर 100 रुपए किलो बाजार में बिक रहा था लेकिन हमने 70 रुपए किलो बेचा। अच्छा। मार्केट में, क्योंकि हम मोदी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जैसे हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश होता है उसी हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं। अच्छा।
तो यहाँ पे अधिकारी चाहे वो एनसीसीएफ हो, केंद्रीय भंडार हो या फिर नेफेड है, तीन एजेंसियां वो उनके जरिए ये आटा या इसके अलावा दाल और फिर प्याज ये बेचा जा रहा है और भारत आटा की आज शुरुआत हुई है। ये देखें ये भारत आटा केंद्रीय भंडार और ये प्राइस भी है। प्राइस यहाँ पे कहाँ लिखा है, अच्छा 275, ठीक है 275 है ये देखिए, और 10 किलो का पैकेट है तो 27.5 रुपए पर केजी के हिसाब से ये आटा मिल रहा है। और ये चना दाल तो पहले से ही बेचा जा रहा है, ये तो पहले से है ना, तो ये 60 रुपए किलो के हिसाब से, और 58 का बेच रहा है। अच्छा 58, और अगर मार्केट में दूसरा अगर 90 रुपए 30 रुपए 32 रुपए सस्ती मार्केट, ठीक है। तो ये देखिए आटा भी है, चना का दाल भी है और इसके अलावा ये प्याज है, क्योंकि प्याज भी इस समय काफी ज्यादा महंगा बेचा जा रहा है, बिक रहा है 80 रुपए या इससे ज्यादा की कीमत है। अब इंडिया गेट की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर बिल्कुल कतार सी ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं और खत्म होने का नाम नहीं, 100 से ज्यादा गाड़ियां होंगी, 100 से ज्यादा यहाँ पर गाड़ियां, 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं, उनमें से नेफेड की भी हैं, केंद्रीय भंडार की भी हैं और एनसीसीएफ की भी हैं, तीनों एजेंसियों की गाड़ियां हैं अलग अलग। आप देखें ये दिल्ली की कॉलोनियों में अलग अलग जगहों पर जाएंगी, वहीं पर खड़ी होंगी या फिर जो उनके स्टोर हैं वहां पर भी मिलेंगे और इन गाड़ियों के जरिए भी बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार कि यही योजना है कि इन एजेंसियों के जरिए लोगों को कम रेट में खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराई जाए, तो धीरे धीरे करके जैसे प्याज महंगा होता है या फिर टमाटर महंगा होता है तो कम रेट पर ये एजेंसियां बेचती हैं, लोगों को मुहैया कराती हैं। और प्याज इस समय क्योंकि बहुत महंगा है तो प्याज भी सस्ते रेट पर बेचा जा रहा है और आटे की शुरुआत आज हो गई है, तो आटा भी अब लोगों को 10 किलो का जो पैकेट होगा 275 रुपए के पूरा 10 किलो का पैकेट मिलेगा, यानी कि 27.5 रुपया पर केजी। अगर ओपन मार्केट मिलेंगे तो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से ये जो पीयूष गोयल केंद्र सरकार के मंत्री हैं उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है भारत आटा की, और जगह जगह पर यह उपलब्ध होगा।